अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मोहतरम भाइयों, उम्मीद है आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं कल्याणपुर यानी मूरतगंज से 10-12 किलोमीटर पहले, और हम लोग जा रहे हैं महंगाव। एक प्रोग्राम मीटिंग भी है जमीयत उलमा हिंद की, तो वहीं शिरकत है। और हमारे साथ मौलाना एजाज साहब नदवी दामत बरकातुहु मौजूद हैं, और थोड़ा शायद बदली आई तो हम लोग रुक। काफ़ी दिनों के बाद ये व्लॉग बनाया जा रहा है, और क्योंकि इस वक्त भी हम व्लॉग भी बनाना कम कर दिए हैं, और आज ख्याल आया कि नई जगह चलते हैं तो आप लोगों को कुछ वहाँ नया पैगाम और नई चीज़ें दिखा। हम लोग मूरतगंज पहुंचने वाले हैं। मौलाना एजाज साहब गाड़ी चला रहे हैं माशाल्लाह, और मौलाना एजाज साहब का अगर मुख्तसर तारुफ कराया जाए तो रहने वाले हैं ये सराय अमीर के, और पढ़ा रहे हैं कुंडा मदरसा नूर इस्लाम कुंडा कस्बा में, जो मदरसा में किंग रोड पर हम लोग चल रहे हैं। ये हाईवे है कानपुर इलाहाबाद हाईवे जीटी रोड, और बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह ये बनी हुई है, और इस पर अभी भी काम चल ही रहा है। बहुत ही ये तारीखी हाईवे, इसके ताल्लुक से एक वीडियो बनाए हुए थे हम, और इसके हिस्ट्री के ताल्लुक से भी बताया था। इसी हम लोग मूरतगंज पहुंचने वाले हैं, ये देख लीजिए बोर्ड वगैरह। हल्की बदली छाई हुई थी और मौसम बहुत ही निराला, बहुत ही ज़बरदस्त था, और मनाजिर आप देख सकते हैं कि कैसे ज़बरदस्त मंज़र आपको दिख रहा होगा। और ये समझिए कि बादल अगर देखा जाए तो बादल खूबसूरती और बढ़ा दे रहे हैं, मंज़र में और इजाफा कर रहे हैं। तो वक्त है मूरतगंज मार्केट में आ चुके हैं। ये काफ़ी बड़ी मार्केट है, देखा जाए मुख्तलिफ किस्म की आपको दुकान मिल जाएंगी। इस वक्त मूरतगंज पार कर चुके हैं हम लोग, महंगा पहुंचने वाले हैं। बादल काफ़ी लगा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं नज़ारा। ये मस्जिद जस्ट रोड के बगल में है, करीब से आप इसका नज़ारा दिखाएंगे। हम लोग जब पहुंचे तो असर की नमाज का वक्त था, नमाज पढ़ी फिर उसके बाद प्रोग्राम शुरू हुआ था। बयान से मसले हल होते तो बहुत बयान होता है, आपको वो करके सारे बयान रखे हुए हैं यूट्यूब पे।
करना भी इसकी शुरू से ये रवैया इसका तरीका रहा। कोशिश रही कि जो भी बात की जाए और जैसी भी बात की जाए कोशिश की जाए कि वो बात हमारी जिंदगी में नजर आए, वो बात हमारी जिंदगी में उतारी जाए। अब हकूम की सतह पर भी जो भी बड़े से बड़े हालात आते हैं जमीन उसका मुकाबला करती है और इंशाल्लाह जब तक मुल्क बाकी है उसमें चांद बाकी है दुनिया बाकी है इसी तरह जमीयत रहेगी दूसरी जमीयत आएगी तीसरी जमीयत आएगी कलमा बाकी रहेगा हालात बाकी रहेंगे हालात आते रहेंगे उसका मुकाबला होता रहेगा। लेकिन मशहूर बात है कि तब तक राजा करने वाला है क़यामत नहीं आ सकती बयान के बाद फिर मीटिंग हुई और उसके बाद ये फ़ाइल दी गई जिसमें मदारिस के ताल्लुक से वो सारी बातें इसमें जमा की गई हैं फाइल में। कमर्शियल कराना पड़ेगा उसके लिए 143 धारा होती है इसको वकील से समझ के और ये पूरा मुकदमा दाखिल होता है इसमें ये 6 महीने में आपको 143 कमर्शियल करके आपकी मदरसे की ज़मीन एकदम कंप्लीट हो जाएगी। विवाद है तो उसमें 176 धारा के तहत ये ज़मीन का मसला होता है कि ये पता चल जाता है कि आपका किस तरफ का कौन सा हिस्सा है। माशाल्लाह मीटिंग इस वक्त मुकम्मल हुई है और ये मस्जिद देख रहे हैं आप जो बाकी अफराद अब उठ चुके हैं अब नाश्ते की मजलिस लगने जा रही है। ये मस्जिद वगैरह देख सकते हैं आप ये मेन रोड ही पर है बहुत ही शानदार मस्जिद बनी हुई है बहुत ही आलीशान माशाल्लाह मस्जिद है इसके बरामदे का हिस्सा है। और ये खारजी रास्ता है गेट नाश्ते की मजलिस लगने जा रही है। जी फोटो तैयार मौलाना साहब नहीं लिए वीडियो है वीडियो उसी भी अब इस वक्त रवानगी हम लोगों की है हेलमेट ये बताओ यहीं छोड़ गए थे क्या यार। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वापस हो चुके हैं भाई अपने वतन अजीज़ की तरफ और मगरिब का वक्त भी बाकी है 15। माशाल्लाह मीटिंग हुई और उसमें बहुत सारी मुफीद बातें आईं मदारिस के ताल्लुक से कि हमें अपने मदरसों को कैसे बचाना है उसकी हिफाज़त कैसे करनी है उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरी कागजात हैं जिसको हमें तैयार रखना है और उसके लिए जो भी तैयारी हो और मुमकिन हद तक की जाए और अपने मदारिस की हिफाज़त की जाए। इसी पर हम अपने व्लॉग को ख़त्म करते हैं और नाज़रीन से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें।